दोस्तों, महामारी के चलते हुए लॉकडाउन से गरीबों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लिहाजा राशन पानी की व्यवस्था इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लॉकडाउन के दौरान हर कोई आगे आकर गरीबों की मदद करने में लगा हुआ है। आपने गरीबों के साथ फोटो खिंचाकर दान देने वाले तो बहुत देखे होंगे, लेकिन एक ऐसा शख्स जिसे कोई नहीं जानता, उस नेक दिल इंसान को आज बहुत से गरीब परिवार दुआएं दे रहे हैं। दरअसल मामला है गुजरात के सूरत का, जहां एक अनजान शख्स ट्रक भरकर आटा लेकर गरीब परिवारों के इलाके में पहुंच गया। वहां उसने सभी गरीबों को एक एक किलो आटा देने का ऐलान किया। एक किलो आटा देने के पीछे की वजह ये रही होगी कि कम आटे को लेने के लिए सिर्फ जरूरतमंद व्यक्ति ही आएगा, क्योंकि ऐसे भी कई लोग हैं जो जरूरत ना होने पर भी फ्री राशन का फायदा उठा लेते हैं। ये ऐलान सुन एक किलो आटे के लिए कई लोगों ने उठने की जहमत नहीं की, मगर जिन्हें सच में उस आटे की जरूरत थी वो पहुंच गया। इस अनजान शख्स ने उन गरीबों में एक एक किलो आटे की थैली बांट दी। जब लोगों ने घर पहुंचकर आटे की थैली खोलकर देखा तो उसमें 15,000 मिले। ये राशि हर थैली में बंद थी। ये देख वे सभी दंग रह गए और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नम आंखों से उनके दिल से ढेरों दुआएं निकलने लगी उस शख्स के लिए। बताया जा रहा है कि उसने 500 से भी ज्यादा लोगों को इस तरह 15,000 बांट दिए। दोस्तों, कहते हैं कि गुप्त दान ही सच्चा दान होता है, और इस नेक दिल शख्स ने वही किया। बिना किसी प्रसिद्धि की लालच के चुपचाप लोगों की मदद की, बिना कोई वीडियो बनाए या फोटो खिंचवाए। ये बंदा जो भी है, हम उसको दिल से सलाम करते हैं। इस बंदे के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।